जिंदगी का तो अंत नहीं हुआ ना। हम लोग का जो रिश्ता है, जैसे हम लोग कितना मजा आता था जब क्लासेस शुरू होती थी, इतना बजे तक क्लास होता था, और उसके बाद सभी टीचर की क्लास लगती थी। रामबदन सर हो गए, मेरी क्लास हो गई, बाल सर की क्लास हो गई, सबकी क्लास लगती थी, और सबके क्लास के साथ कैसे इंटरटेनमेंट होकर और पढ़ाई करना है, तो ये चीजें लगी रहती है। और हम लोग भी बहुत खुशी पूर्वक एक शिक्षक और स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर और पूरा सभी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और दूसरी बात कि सभी जो क्लासेस चलती थी, चाहे हम हो या फिर कोई और दूसरे सर हो, तीसरे सर हो, चौथे सर हो, बहुत मजा आता था क्लास में पढ़कर, वो भी हंस के साथ, एंजॉय करके साथ चीजों को पढ़ लिया। अब वो लास्ट दिन है जो हम लोगों को यहाँ से विदा होना पड़ रहा है। हालांकि अगर हमसे कोई पूछा जाएगा ना, तो ये विदाई आपकी जिंदगी की तो नहीं है ना, आपको अंत तक स्ट्रगल करना होगा, अंत तक आपको इसके साथ सम्मिलित होकर काम करना होगा। तो बाकी जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं 10th क्लास का, तो हम लोग सभी सर लोग के तरफ से आप लोगों की रिजल्ट की काफी अच्छी आने की दुआएं, और आप लोग को अंत तक पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है एग्जाम देने के बाद भी। कितने लोग ये सोच जाते हैं कि हम लोग का तो एग्जाम हो चुका, अब उसके बाद को कोई टेंशन ही नहीं है। अगर जिंदगी में अगर कुछ भी अगर अच्छा करना होता है हर किसी इंसान को या हर किसी जीव को, तो अपने मरते दम तक ही हर चीजों के प्रति प्रयास करते रहता है। जहां तक एक चींटी को देखते हैं, वो एक दीवार पर चढ़ने के लिए 1000 बार गिरती है, लेकिन वो अथक प्रयास करते हुए कभी ना कभी चढ़ जाती है। लेकिन हम लोगों का मेन हथियार एक पेन है, जैसा कि कुतुबुद्दीन सर बताए। तो अगर हमसे अगर छोटा सा सवाल पूछेगा कि मेरे हाथ में क्या है क्वेश्चन, तो किसी ने बोलेगा कि सर एक पेन है, और किसी दूसरे ने बच्चा ने ये बोलेगा कि सर ब्लैक पेन है, और किसी तीसरे बच्चा ने ये बोलेगा कि सर अग्नि जेल का पेन है जो हाथ में रखा है। लेकिन अगर हम पूछे, मेरे लिए ये एक पेन नहीं है, मेरे एक तलवार का काम करता है, मेरा ये क्या है, तलवार है। क्योंकि इसी पेन से एक चित्रकार जब पेन बनाता है ना, तो उसकी कलाकारी दिखती है, और इसी पेन से जब पत्रकार सबका न्यूज वगैरह लेते हैं ना, तो देश में क्रांति ला देते हैं, और इसी पेन से जब जज या न्यायाधीश अगर अपने कार्यालय में अगर यूज करता है ना, तो उसके जिंदगी के साथ बोल सकते हैं कि वो खेल सकता है, उसकी मृत्यु दंड भी दे सकता है यही कलम। और एक विद्यार्थी इस पेन से अपना फ्यूचर, अपना भविष्य रच सकता है, इतिहास रच सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि ये मेरे लिए पेन नहीं है, ये मेरे लिए है क्या, तलवार है। सो दिस इज अ नॉट अ पेन, दिस इज अ शॉर्ट, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर डू यू वांट बाय दिस पेन। तो मेरा कहने का मतलब कि आपका अपना जो हथियार है वो एक पेन है, और हम कल भी जैसा कि चर्चा किए थे कि आपको अभी एग्जाम के तौर पे दो हथियार मेन है। पहला कि आपकी एडमिट कार्ड, जो पहचान होती है कि आपकी ये एग्जाम देने के लिए मूल प्रमाण पत्र के तौर पे, और दूसरा कि आपका पेन। तो ये दोनों चीजों को लेकर आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। और दूसरी कि अभी भी 10 दिन का टाइम है, आप चीजों को पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि अब हम लोग की विदाई हो गई है तो पढ़ना बंद कर दे। और विदाई एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर हर एक किसी के आंख में आंसू तो टपकने ही लगते हैं कि हाँ विदाई, ऐसा विदाई। भले ही ऐसा नहीं है कि हम लोग मिल नहीं सकते हैं, लेकिन सोचो दोस्त कि उस स्टेज पे हम लोग नहीं मिल सकते हैं जिस स्टेज पर मिल चुके थे। तो ये बहुत ही अच्छी समारोह नहीं है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि अगर हम लोग जिस सब्जेक्ट को, जिस क्लास को अगर स्टार्ट किया था, उसका अंत करना भी हम लोगों का कर्तव्य है, और वो आज का दिन है। तो अब आगे की बात मैं ये बताना जा रहा हूँ कि जिन लोगों का 10th की एग्जाम है वो बिल्कुल एग्जाम में जाए तो वे ही चक जाएं,
ज्यादा टेंशन में ना जाएं, क्योंकि अगर आप टेंशन में जाएंगे तो आपकी पेपर खराब हो सकती है। आप ये सोचेंगे कि मेरी एग्जाम कैसे जाएगी, क्या होगा, क्योंकि आपके फर्स्ट ये बोल सकते हैं कि प्रथम सीढ़ी होती है, ये पहली सीढ़ी है जो जिसको आपको पार करना होता है। और आपको बता दें तो ये एक साल का मेहनत नहीं है, ये 10 सालों का मेहनत है। ये आपके घर के जो पेरेंट्स लोग हैं, ये भी आपको हर किसी के घर में बात होता है, 10वां का एग्जाम है, कोई तत्पर नहीं रहता है 8वीं क्लास के एग्जाम में, 9वीं क्लास के एग्जाम में, 5th क्लास में। हालांकि हम लोग तो बहुत सारे एग्जाम को क्रॉस करते आए हैं, लेकिन हम लोग या फिर हमारे घर वाले या फिर हमारे टीचर 10th क्लास, क्योंकि 10th बोर्ड ही आपकी पहली सीढ़ी है, उसके बाद फिर आईएससी करेंगे, बीए करेंगे, बीएड करेंगे या फिर और भी आगे करेंगे ना, तो आगे की रास्ता बहुत है। यानी कि बोल सकते हैं कि मेरा पहला जो गेट है ना वो 10th क्लास के है। आप इसको जैसे ही खोलेंगे उसके बाद बहुत सारे गेट मिलेंगे। अब आपकी च्वाइस होगी कि हमको इस गेट से पास करना है, उस गेट से पास करना है, तीसरे गेट से पास करना है। यानी कि ये आपकी पहली कदम है, और पहली कदम में जिसकी हौसला ज्यादा रहेगा, हौसला के साथ वो आगे बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल गारंटी है कि वो आगे भी उसका हौसला बेजाई रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि हम लोग नेचर का नियम है या हम लोग के प्रति वैसा होता है कि जो क्लास में अगर टॉपर है ना तो हमेशा टॉपर ही रहता है, उसकी अंदर की जो भावना है वो और आगे बढ़ाते रहता है कि चलो तुमने तो क्लास में टॉप किया और तुमको और मेहनत करना है। अगर मान लेते हैं उसका साथी अगर और उसके आगे आ जाता है तो फिर और उसको बुरा लगने लगता है और फिर से वो प्रयास करने लगता है। तो दूसरी चीज कि हमको आगे हमेशा बढ़ते रहना है और एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है। और कल जो बताए थे आइडिया, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक वो बंदा है जो किसी भी पेपर को या मेरा जो उत्तर पुस्तिका आता है उसमें कुछ मेरे को दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन है चाहे वो मेरी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत वाले सर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर बिल्कुल मेरे को याद नहीं है या फिर बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कब क्या चेंज कर देता है ये बिहार, जैसे कि 2018 में हमने पढ़ा था, सिलेबस का ही था, लेकिन एक रहता है कि जो ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा अलग पूछ दिया था जो लोग शायद नहीं पढ़ के गए थे। हालांकि ये नहीं बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो 10वीं क्लास से था ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक रहता है कि क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट रहता है कि ये बहुत बार पूछा है तो एक संभावना रहता है पूछने का, तो वैसी क्वेश्चन नहीं आई थी। तो अगर ऐसा भी आपके साथ होता है तो हमको खाली उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मेरा कहने का मतलब एक वो बच्चा है जो दूसरी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ देता है, खाली जगह छोड़ देता है। और एक दूसरा बच्चा वो है जो उस क्वेश्चन का कुछ कुछ आंसर लिख देता है।